दोस्तों, रोजाना में टीएमसी की डबल सेंचुरी, भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर डबल सेंचुरी के आंकड़े के को छू लिया है। यहां पर टीएमसी ने 292 में से 292 के रुझान सामने आए हैं और तृणमूल कांग्रेस ने 200 के आंकड़े को छू लिया है। बीजेपी 90 पर, प्रभु चावला 200 के आंकड़े को टीएमसी ने छू लिया है, बीजेपी 90 पर। प्रभु चावला जी, क्या पिछला करिश्मा ही दोहराती दिखाई दे रही है टीएमसी? सुनाई नहीं दिया, दोबारा। पिछला करिश्मा दोहराती हुई दिखाई दे रही है टीएमसी इन आंकड़ों में, 201 और 89 बीजेपी। अभी देखो फाइनल रिजल्ट आने दो, मैं उसके बाद जरा फाइनल तमन्ना पर ये कह सकता हूँ कि अब की बार 200 पार कौन होगा। सवाल ये है इस वक्त कि अब की बार 200 पार कौन होगा। एक दोनों तरफ से लड़ाई थी कि 200 पार हमने करना है, तो अभी भी जब तक फाइनल आंकड़े नहीं आते, मैं उसके ऊपर आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा कि इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए कि ये रुपये 15 साल के बाद थर्ड एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी उनके खिलाफ, वो नहीं हुई। वेस्ट बंगाल के अंदर 5 बार लेफ्ट वाले इलेक्शन जीते थे, जो वहां की लोकल पार्टी है कांग्रेस उसको रिप्लेस नहीं कर पाई लेफ्ट को, उसको रिप्लेस किया तृणमूल कांग्रेस ने, जो कांग्रेस छोड़ करके आई थी। तो वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी को एक बार और चांस शायद अगले साल 5 साल के बाद हो सकता है कि वहां पर वो अपनी पार्टी को तृणमूल को हराने में सफल हो जाए। परंतु ये जरूर है कि अगर तृणमूल ममता बनर्जी वहां पर चुनाव खुद हार भी गई, उसके लिए अभी वेट करेंगे शाम तक, वो भी चीफ मिनिस्टर दोबारा से बनेंगी, मैंने पहले भी कहा। और देश के अंदर एक ऑपोजिशन की राजनीति काफी बढ़ेगी और बंगाल के अंदर काफी एग्रेसिव पॉलिटिक्स होने वाली है। वो सब क्योंकि वहां पर देख रहे हैं स्टालिन जीत रहे हैं, पिनरई विजयन जीत रहे हैं, तो एक पावरफुल ट्रॉयका बन जाएगा ऑपोजिशन का, जो मिल करके सारे देश के अंदर कोई ऑपोजिशन कलेक्ट कर सकते हैं। कांग्रेस के लीडरशिप में ऑपोजिशन अभी इकट्ठी नहीं होगी, ऐसा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी 88 पर यहां पर अटकती हुई दिखाई दे रही है, 202 के आंकड़े तक तृणमूल कांग्रेस पहुंच चुकी है। अरुण सिंह जी, ये आंकड़ा अब आप लोगों के लिए क्या कहता है? 88 पर अब 100 की सीट के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। देखिए, जैसी उम्मीद थी वैसी तो सामने अपने को रिजल्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन पूरी काउंटिंग होने दीजिए। इतना जरूर मैं कहूंगा कि क्या है कि पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा राज्य है और बहुत बड़े राज्य में संगठन को खड़ा करने में समय लगता है, और जब नेता भी धीरे धीरे करके उभर के आते हैं, तो जैसे उत्तर प्रदेश का, जैसे प्रभु चावला जी कह रहे थे, सही कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में हम पहले 3 बार सरकार में रहे, उस नेतृत्व हमारे पास था, पुराना संगठन हमारे पास था। पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे करके संगठन हम खड़ा कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, है, इसको हम नकार नहीं सकते, प्रधानमंत्री को देता भी है। लेकिन क्या होता है कि जब संगठन धीरे धीरे, आप बड़े राज्य में संगठन को खड़ा करने में धीरे धीरे समय लगता है। जब आप लोकसभा में 18 सीट जीते और संगठन उसके आधार पर खड़ा हुआ, मजबूत बना, संगठन की रचना हुई, उसी प्रकार से विधानसभा में अधिक सीटें हम जीत रहे, धीरे धीरे संगठन एक मजबूत स्तर पे चारों ओर वहाँ पे खड़ा होगा। अभी यानी कि कुल मिलाकर इस हार को आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि अभी संगठन आपको बढ़ाना है, बीजेपी को मजबूत करना है, बड़े नेताओं को बड़ा चेहरा बनाना है। जो आपको टेलीविजन में दिख रहा है, जितनी जैसी अपेक्षा थी, जो जमीनी स्तर पे जिस प्रकार से चीजें आ रही थी, वैसा यहाँ नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं कह रहा हूँ 27 राउंड के अभी काउंटिंग होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। यानी कि अभी आप शाम तक का इंतजार करना चाहेंगे, लेकिन आप देखिए शाम तक का आप इंतजार कर रहे हैं, आंकड़े लगातार घटते जा रहे हैं। अब तृणमूल 203 हो गई और आप लोग 87 पे आ गए। पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हो रही है।